सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं हूं प्रोफेसर सोनाली पवार और आज हम लोग देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी। तो सबसे पहले आपको मैं रिजल्ट बताना चाहूंगी कि आपको लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये क्या है क्या नहीं, सब बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के मेन प्रिंसिपल के पास। सो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले क्लोराइड की रिएक्शन होने वाली है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो किसके प्रेजेंस के साथ हुई है, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक सॉलिड पार्टिकल या जिसे हम लोग ओपेलेसेंस भी कहते हैं, टर्बिडिटी भी कहते हैं, वो सोल्यूशन में दिखेगी। इसका मतलब अगर आपके किसी भी अनन सोल्यूशन में क्लोराइड प्रेजेंट है और इस रिएक्शन के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड यहाँ पे ओपेलेसेंस प्रोड्यूस करेगा। और अगर ओपेलेसेंस नहीं करेगा, इसका मतलब आपके सोल्यूशन में क्लोराइड नाम की कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हो या कोई भी लिमिट टेस्ट हो, इसके सारे चीजों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बनाया है, तो लिंक में जरूर उसको देखिएगा। सो precipitate from in the solution causing turbidity, the degree of turbidity depend on the amount of chloride in the solution. अगर कितना solution में chloride present इस पर depend करता है। Test result that are less turbidity than the standard signified a sample that contain chloride in accordance with the prescribed limit test of the test. तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको comparative test करके ये देखना है कि chloride अगर है तो किस तरह से आपको amount of chloride दिखेगा, कितनी turbidity दिखेगी और उस compare में आपके test में क्या दिखना चाहिए। तो observation में आपको क्या observe करना है, the turbidity produced in the sample solution should not be greater than standard solution। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके टेस्ट में कम टर्बिडिटी हो। इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से आप दोनों में कंपेयर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप के लिए क्या ध्यान देना है कि ये क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द हार्मफुल इम्प्योरिटीज और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन द सोल्यूशन, और साथ ही साथ टू फाइंड आउट द अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल थिंग्स, जिसको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। तो कुछ एपरेटस लगने वाली है, तो नेस्ला सिलेंडर, ग्लास रॉड, स्टैंड, ये सारे एपरेटस लगेंगे। और केमिकल में लिखने वाला है जो रिएक्शन में हम लोगों ने बातें की, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड, डिस्टिल वाटर और डेफिनेटली स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो रिएक्शन अगर देखते हैं कि भाई क्लोराइड है तो क्लोराइड यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगी। तो आप मुझे बताइए AgNO3 मतलब क्या है, बिल्कुल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये होने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो HNO3 के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो क्लोराइड जाएगा आपके Ag के साथ और PBT फॉर्म करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में सोडियम क्लोराइड लिया NaCl। तो यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिकल में आपको रिजल्ट दिखेंगे। ओके, तो अभी प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसीजर में आपको लेने हैं दो नेस्ला सिलेंडर। तो दो नेस्ला सिलेंडर में से एक नेस्ला सिलेंडर को आप नाम देंगे टेस्ट सॉल्यूशन और एक का नाम देंगे स्टैंडर्ड। तो आप टी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हैं। सो टी में जो भी सॉल्यूशन जाएंगे उसके इसमें लिखा है मैंने टेबल फॉर्म में, और स्टैंडर्ड में कंपेरेटिव में क्या लेंगे। काफी बार स्टूडेंट गलती यहाँ पे कर देते, एक पूरा का पूरा परफॉर्म करेगा तो दूसरा पूरा का पूरा करेगा, ऐसा नहीं करना। ये कंपेरेटिव टेस्ट है तो दोनों में कंपेरेटिवली आपको एक साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बात करूंगी कि आपको टेस्ट सॉल्यूशन में जो भी आप अननोन सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं वो वाले अननोन सॉल्यूशन के वहां पे आपको ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे उसके कंपेरेटिव में आप यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे डिस्टिल वाटर भी डालना है, और आगे काफी अच्छी प्रोसीजर है, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। कुछ प्रोसीजर के पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कुछ चीजों को नोट करना है। क्या नोट करना है आपको कि नाइट्रिक एसिड आप क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक तरह का प्रिवेंट करता है प्रेसिपिटेशन और प्रोड्यूस करता है एक तरह का प्रेसिपिटेट आउट नाइट्रिक एसिड। क्लोराइड आयन इज द मोस्ट कॉमन इंप्यूरिटी विद इंक्रीज ड्यू टू यूज ऑफ द टैप वाटर। काफी बार आपने सुना होगा टैप वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट है। उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों एड किया जा रहा है। ये सारी छोटे मोटे यहाँ पे एक
एसिडिटी प्रोड्यूस करने के लिए या रिएक्शन फॉर्म करने के लिए चीजें हो रही है। तो नोट ध्यान रखना है, सिनॉप्सिस में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई राइट अ नोट ऑन दैट। तो चलिए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मेजरिंग सिलेंडर है, डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है, उसके बाद दो नेस्ला सिलेंडर है, HNO3 है, AgNO3 है, आपका बनाई हुआ सोडियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड सोल्यूशन और अननोन सैंपल लिया है। तो अननोन मैं बताऊंगी नहीं कि कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे लिया है, बस मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप लास्ट में बताइएगा कि ये टेस्ट पास हुई है या फेल हुई है। तो स्टूडेंट एज पर द प्रोसीजर सबसे पहले यहाँ पे दो नेस्ला सिलेंडर ले लिए। ध्यान देना है दोनों नेस्ला सिलेंडर को आपको प्रॉपरली आपको वहां पे लेबल करना है। अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लिखे, टेस्ट है तो टेस्ट लिखे। तो यहाँ पे मैंने वहां पे दे दिया। तो जो अननोन सॉल्यूशन है तो वो जाएगा आपके टेस्ट में। तो चलिए प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ सारे अपैरेटस वॉश कर लिए थे, मेजरिंग सिलेंडर मैंने यहाँ पे ले लिया है और टेस्ट सॉल्यूशन जो भी है तो मैं सबसे पहले 10 ml अननोन सैंपल जो है टेस्ट सॉल्यूशन का नेस्ला सिलेंडर में डाल दूंगी। तो कौन सा रहेगा वो? बिल्कुल वो रहेगा टेस्ट वाला। टेस्ट में मैंने 10 ml का जो भी अननोन सॉल्यूशन था जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि क्लोराइड है या नहीं है। सेकेंडली अभी मैंने कंपैरेटिव में स्टैंडर्ड लूंगी, तो स्टैंडर्ड के लिए मैं कौन सा सॉल्यूशन लूंगी? जो सोडियम क्लोराइड का बनाया हुआ है जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर बार अगर आप मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं या नया मेजरिंग सिलेंडर या उसी को यूज करना चाहते हैं तो हर बार उसको रिंस या वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से 10 ml वे कर लिया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो अभी जो हमारा स्टैंडर्ड लेबल्ड है नेस्ला सिलेंडर उसमें हम लोग 10 ml इनपुट कर देंगे। चलिए ये हो गई आपकी पहली स्टेप। अभी सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है? ठीक है, सो जस्ट वॉच द वीडियो। यस, 10 ml डिस्टिल वाटर इन अ बोथ नेस्ला सिलेंडर। हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम मेकअप कर लिया है 10 ml डिस्टिल वाटर सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे दोनों में एक साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए परफॉर्म करने वाली। उसके बाद है 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम लोगों को दोनों नेस्ला सिलेंडर में ऐड करना है। मतलब 10 ml टेस्ट में जाएगा और 10 ml आपके स्टैंडर्ड में जाएगा। ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसीजर। उसके बाद रिएक्शन फॉर्म में मैंने आपको जो बताया था उसके बाद ध्यान देना है कि रिएक्शन में HNO3 और सिल्वर नाइट्रेट डालना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे 1 ml ऑफ 0.1 molar सिल्वर नाइट्रेट इन अ बोथ नेस्ला सिलेंडर। तो यहाँ पे 0.1 molar जो सोल्यूशन है 1 ml मैंने वे कर लिया था, दोनों में 1 ml 1 ml यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ध्यान दीजिए आपका ऑब्जर्वेशन ओपेसेंस को देखना है। देखिए कितने क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ओपेसेंस या टर्बिडिटी फाइंड आउट हो रही है और आप क्लियरली सॉल्यूशन को देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड में कुछ ज्यादा पीपीटी आई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे वॉल्यूम मेकअप करना है अप टू द 15 ml। पहले उसके पहले आपको स्टैंड बाय रखना है नियर अबाउट 5 मिनट्स के लिए और ऑब्जर्व करना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से टर्बिडिटी आपको दिख रही है। तो स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा टर्बिडिटी है विथ कंपेयर टू टेस्ट। सो Stand for the 5 minutes after making volume up to the 50 ml with the distilled water in a both Nestle cylinder. तो यहाँ पे मैंने स्टर कर लिया है, देखा है कि स्टैंडर्ड में किस तरह से यूनिफॉर्मली पीपीटी फाइंड आउट होते हैं। यहाँ पे 50 ml में जब वॉल्यूम मेकअप करेंगे तो आपका रिजल्ट इस तरह से दिखने वाला है। सो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे कि क्या अननोन सॉल्यूशन में यहाँ पे टेस्ट पास हुई है या नहीं हुई है। सो गाइस टेस्ट पास बिकॉज नो इम्प्योरिटीज इन प्रेजेंट इन द सैंपल। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इफ टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन इज लेस दैन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन द सैंपल विल the taste the pass. So this is the final result and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much students to watch this video limit test for chloride or next limit test mein hum log aur practical performance dekhne wale hain. So thank you so much to watch the video. Milte hain next video mein with the pharmaceutical inorganic chemistry. Thank you so much.